अस्सलाम वालेकुम। आई एम आकिब मकसूद हाशमी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम PCHS फाउंडेशन बॉयज कॉलेज। मेरा सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के सेकेंड लेक्चर की सीरीज में आप कर रहे हैं। सेकेंड लेक्चर में हम ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। मेरा ओम्स लॉ बेसिकली करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रिलेशन को कहते हैं। फिर अगर हम कहीं पर करंट पास करवाना चाह रहे हैं, यानी किसी जगह पर अगर हम करंट को फ्लो करवाना चाह रहे हैं, तो करंट फ्लो करने के लिए दो चीज़ों की नीड होती है। नंबर वन, मीडियम कंडक्टर होना चाहिए। अगर आप मीडियम कंडक्टर नहीं लोगे तो उसमें से करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि इंसुलेटर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यहाँ पर वहाँ पर सिर्फ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर दूसरी चीज़, पोटेंशियल डिफरेंस। वाई पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू फ्लो द करंट। किसी भी कंडक्टर में से गुजरने करंट को पास करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का देना ज़रूरी क्यों है? बेटा, इसकी रीज़न देखने के लिए हम कंडक्टर को माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें। तो बेटा, माइक्रोस्कोपिक व्यू देखने के लिए पता क्या चलता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं कंडक्टर के अंदर, वो कंटिन्यूसली मोशन तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन मोशन डिफरेंट डायरेक्शन में, यानी स्कैटर मोशन कहलाती है, और इसकी वजह से इनकी नेट मोशन हम लेंगे ज़ीरो। लेकिन जैसे ही आप किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक फील्ड जनरेट होती है जो इलेक्ट्रॉन को अलाइन कर देती है और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करवाती है। बेटा, इस दफ़ी आपने देखा होगा कि इसमें तमाम चार्जेस एक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, और इनिशियली ये तमाम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। बेटा, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होती है स्कैटर होती है, और विद पोटेंशियल डिफरेंस ये अलाइन हो जाते हैं और एक सिंगल डायरेक्शन में मोशन करते हैं, जिसकी वजह से करंट जनरेट हो जाता है। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड देयर नेट मूवमेंट इज जीरो। बट इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दे आर अलाइन एंड मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, या आप ये कह सकते हो कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करने लग जाएंगे, तो करंट भी फ्लो कर जाएगा। पिटागोरस लॉ रिलेशन है किसके दरमियान? करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। द रिलेशन बिटवीन करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज ओम्स लॉ। बेटा, ओम्स लॉ की वैलिडिटी ये है कि ओम्स लॉ सिर्फ ओमिक कंडक्टर पर वैलिड होता है। ओमिक कंडक्टर कौन से कंडक्टर होते हैं? जिनकी फिजिकल स्टेट होती है कॉन्स्टेंट होती है। फिजिकल स्टेट से मुराद यहाँ पर लेंथ, एरिया और टेम्परेचर है। ऐसे कंडक्टर जिसकी लेंथ, एरिया और टेम्परेचर में चेंजिंग ना है, वो ओमिक कंडक्टर कराएंगे, क्योंकि वहाँ पे ओम्स लॉ वैलिड होता है। बेटा, तमाम मेटालिक कंडक्टर इनिशियली ओमिक कंडक्टर ही होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, करंट पास करता रहता है, उनका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो वो ओमिक कंडक्टर नहीं कराएंगे, क्योंकि ओमिक कंडक्टर के लिए फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर यानी लेंथ, एरिया और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ये है कि बेटा, करंट जो किसी कंडक्टर में से पास कर रहा होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। द अमाउंट ऑफ करंट विच पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। बेटा, क्या वजह है कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने से इंक्रीज कर रहा है? उसकी रीजन बेटा ये है कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो, तो ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाती है। बेटा, स्पीड के इंक्रीज करने से टाइम कंज्यूमिंग बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर बेटा डिक्रीज कर जाएगा। बेटा, करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बेटा, टाइम कम होगा तो करंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। टाइम क्यों कम हुआ? बेटा, हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से क्या होगा? बेटा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गई, तो इसलिए टाइम डिक्रीज कर रहा था। तो बेटा, ओम्स लॉ ने डायरेक्टली क्या कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस की करंट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट करें, आपके पास एक कंडक्टर है जिसके दो एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। बेटा, करंट जो पास कर रहा है वो I है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपके पास I बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के। बेटा, जब हम प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो वहां पे कांस्टेंट यूज किया जाता है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर K यूज किया जा रहा है। के कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, ये रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस के। बेटा, कंडक्टेंस वो तमाम इफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से करंट इंक्रीज करता है, जबकि रेजिस्टेंस उन तमाम इफेक्ट्स को कहते हैं जिनकी वजह से करंट डिक्रीज करता है।
जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो के बराबर होगा 1/r के। तो बेटा हम सब की मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगी I इज इक्वल टू 1/r इंटू वी, और यहाँ से अगर वी सेपरेट करें तो वी इज इक्वल टू आई आर। ये मैथमेटिकल फॉर्म कहलाती है ओम्स लॉ की, कि करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर के इक्वल होता है। फिर इस ओम्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जाए तो ग्राफ जो बनाया जाता है दो एक्सिस के दरमियान बनाया जाता है, इनमें से एक एक्स होता है और दूसरा वाई एक्सिस होता है। बेटा एक्स एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेंगे और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी। बेटा ओम्स लॉ के मुताबिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो करंट डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो बेटा प्लॉटिंग में वाई एक्सिस पर आपके पास करंट होगा और एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कहाँ से पास कर रही होगी, ओरिजिन से पास कर रही होगी। बेटा स्ट्रेट लाइन क्यों बनी? बेटा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस लीनियरली यानी एक दूसरे के साथ लीनियरली रिलेट कर रहे हैं। बेटा आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे करंट की अमाउंट भी उतनी ही बढ़ रही होगी। मिसाल के तौर पर आप पोटेंशियल डिफरेंस 2 times बढ़ाओगे तो करंट भी 2 times इंक्रीज कर रहा होगा। बेटा ग्राफ ओरिजिन से क्यों गुजर रहा है? बेटा इनिशियली अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस 0 दोगे तो अमाउंट ऑफ करंट भी क्या हो जाएगी? 0। तो बेटा स्ट्रेट लाइन जो पासिंग थ्रू दी ओरिजिन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है। बेटा आज के लेक्चर के बाद हम ओम्स लॉ को डिस्कस करने के बाद ओम्स लॉ को समझने के काबिल हो चुके हैं जो एक कंडक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होता है। कंडक्टर से मुराद वो जहाँ पर एप्लीकेबल होता है जहाँ से करंट पास कर रहा हूँ, बशर्ते कि उस कंडक्टर की लेंथ एरिया और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंट होना चाहिए। थैंक यू बेटा, सी यू नेक्स्ट टाइम, बी सेफ, बी एट होम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।